हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नाम अमन सिंह और आज मैं स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जो आपके एसी इंस्टॉलेशन, जैसे ये आपके पाइप है, इस पाइप में जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है वो कितना होता है। काफ़ी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। अब एक कमेंट, जैसे मैं इस वीडियो जो ये वाली वीडियो थी जिसका थंबनेल ये था, इसमें एक कमेंट आया है अनुपम अग्रवाल जी का। वो कमेंट में लिखते हैं, बहुत दिनों बाद आपकी वीडियो आई, अच्छा लगा, थैंक यू। और इसके बाद लिखते हैं, हमारे यहाँ एसी के जो पाइप इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो 750 रुपये रनिंग फिट में यही काम होता है। अब मैंने खैर उनको रिप्लाई कर दिया है कि शायद आपको सुनने में गड़बड़ी हो गई हो या फिर जिसने आपको बताया है उसके बोलने में गड़बड़ी हो गई। अब सिंपल से आप कैलकुलेशन करके देखिए, जो एक एसी का बंडल ये होता है, चाहे कोई भी बंडल लेते हैं, किसी कंपनी लेते हैं, अप्रॉक्स 50 फिट का मान के चलते हैं, ठीक है। तो 50 फीट का मतलब क्या हुआ, 15 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। अब 15 इंटू आप 750 से करें, 750 कर लें, 800 कर लें, 900 कर लें, तो लगभग मोटा मोटा आपका खर्चा कितना आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए, कॉपर है, कॉपर का रेट अप डाउन होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोई आज करवा रहे काम तो कल को शायद उसी रेट में शायद कोई काम ना करें, ठीक है, शायद ज़्यादा कर सकता, ज़्यादा रेट हो जाए। तो मोटा मोटा मैं चलो 750 ना करके मैं 800 या फिर 850, 850 लेता हूँ, 850 रुपये रनिंग मीटर इंटू लेंथ कितनी होती है, एक कॉपर के जो बंडल की पाइप की लेंथ होती है 15 मीटर, 750 इंटू 15 कितना हुआ आपका 12,750। मोटा मोटा रफली 12,000-13,000 रुपये अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि इतना खर्चा आता है एक बंडल को इंस्टॉल करने में, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लगाते हैं तो वो जितनी लेंथ बढ़ती है कि सिंपल सी बात है, उतना खर्चा बढ़ता है। मैंने अपनी वीडियो में क्या बताया था, मैंने लगभग अप्रॉक्स 10,000 रुपये का खर्चा बताया था, ठीक है। अब भाई जो इंस्टॉल करेगा, सिंपल सा आप मटेरियल लेके आते हो तो आप जाते हो, उसका खर्चा होता है, आने का खर्चा आप जो होता है वो आपका होता है। अब कोई आपके काम विद मटेरियल कोई काम ले रहा है तो सिंपल सी बात है वो अपनी बचत तो करेगा ही, 1-2,000-3,000 रुपये का हिसाब तो अपना लेके चलेगा खर्चा पानी। तो वो मैंने 10,000 रुपये बताया था, इसमें कितना रहा है 12-13,000 रुपये, बल्कि मैंने 850 रुपये से किया। अगर ये चीज़ मैं 750 रुपये से करता हूँ और इंटू 15 करता हूँ तो 11,250 लगभग, जो मैंने बताया था 10,000 रुपये खर्चा लगभग मोटा मोटा उतना ही है। तो अब यह बात आती है कि 750 रुपये क्या है, फिट है कि मीटर है। देखिए सिंपल सी बात, जो बोलने वाले होते हैं शायद कोई जानबूझ के ऐसा बोल रहा हो और आप शायद फंस भी जाए उसके उसमें झांसे में, लेकिन आपको आज है तो कल जब वो काम कर लेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उसने बेवकूफ बनाया। लेकिन कोशिश ये होता है शायद लैंग्वेज मिस्टेक हो जाती है या फिर समझने का फेर हो जाता है कि भाई लेबर है, मिस्त्री हैं, इन लोगों को फिट और मीटर का जानते हैं कि फिट मीटर क्या होता है, लेकिन शायद इंची टेप में वो अगर उनको बताओ कि इंची टेप से अपना बताओ कि एक मीटर कितना, तो शायद उनको निकालने में दिक्कत हो, क्योंकि भाई वो कॉन्ट्रेक्टर तो है नहीं कि बिल्डिंग में आना उनको इंची टेप से लेके अपना फिट इंच निकालना है। वो तो सिंपल से एसी वाले हैं, वो दोनों सीधे एक रफली आइडिया निकाल लेते हैं, इतने मीटर लगवा है, ठीक है। बहुत वो अच्छा हुआ तो नाप लेगा कि हाँ इतने मीटर हमने लगाया है। तो ये शायद मेरे ख्याल से टंग मिस्टेक होती है, 750 रुपये रनिंग मीटर होता है ना कि फिट। और सिंपल से अगर 750 रुपये रनिंग फिट भी होता है तो आप कैलकुलेशन करिए, ये बंडल कितने का है, एक बंडल की लेंथ कितनी है 50 फिट, 50 इंटू 750 रुपये से करते हैं, आया कितना 37,500 रुपये। मतलब एक बंडल 50 फिट का जो बंडल आता है इसको इंस्टॉल करने के लिए 37,000 रुपये आपके लगेंगे, मतलब एक नॉर्मली एसी की जितनी कॉस्ट होती है उससे भी ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, ये कोई कोई यहाँ तक कोई वही नहीं है कि इस चीज़ का यार कि कोई फिट में लेता हूँ, और फिट में लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत केस सुने हैं इस तरह और एक दो बार मैसेज भी आए हैं, और काफ़ी लोग एक्चुअली दूसरे के, मैं अपने खुद के इलेक्ट्रिशियन की बात करता हूँ, मैं जिससे मैं पर्सनल काम करवाता हूँ, वो फिट ही बोलता है, तो उसको बोलना पड़ता है फिट नहीं भाई मीटर, तब बोलता है हाँ हाँ मीटर मीटर ऐसा है। तो ये खाली एक टंग मिस्टेक करें तो एक फ्लो में बोल देते हैं वो चीज़, तो ये मीटर होता है, ध्यान रखिए। 750 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, 1,000 तक भी मान लो चलो कोई लेता है तो वो चलो अपना खर्चा निकाला, लेकिन इतना होता है मीटर में होता है ना कि फिट में। फिट में एसी से ज़्यादा कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो फालतू में आपकी एसी लगाने फ़ायदा क्या कि एसी से दोगुना खर्चा, डेढ़ गुना खर्चा आपका इसमें इंस्टॉलेशन खाली पाइप में आ रहा है, जिसमें कुछ है ही नहीं, खाली कॉपर है और स्लीव है और एक वायर है 4 कोर का बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों।
तो ये जो छह कुछ कमेंट आते हैं आप भेज दें, मैं सोचता हूँ जो भी आपके कमेंट आते हैं उसको भी मैं वीडियो के थ्रू सॉल्व करूँ। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।